नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज दिन की कुछ खास खबरों पर। सेब लेकर सोलन जा रही पिकअप खाई में गिरी, एक की मौत, दो घायल। राजधानी शिमला के चौपाल उपमंडल में सोमवार सुबह एक हादसा हुआ। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। घायलों का AGMC में इलाज चल रहा है। हादसा चौपाल के धब्बास में हुआ। जानकारी के मुताबिक सेब के 60 पेटियों से लदी पिकअप चौपाल से सोलन फल मंडी की तरफ जा रही थी। रात करीब 1 बजे के करीब धब्बास में चालक ने नियंत्रण खोया और पिकअप गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे के बाद चौपाल पुलिस और स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव का कार्य शुरू किया और 3 व्यक्तियों को खाई से निकालकर सिविल अस्पताल चौपाल पहुंचाया। किन्नौर में नेशनल हाईवे पर जूरी के पास भूस्खलन, यातायात प्रभावित। किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर जूरी के पास भूस्खलन की घटना हुई। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भूस्खलन के बाद से यातायात प्रभावित हुआ है। हाईवे प्राधिकरण की मशीनरी रोड को बहाल करने में जुटी हुई है। 100 करोड़ से बनेगी फिल्म सिटी, 15,000 को मिलेगा रोजगार। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में रविवार को चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 27 MOU यानी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। इससे प्रदेश के लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब पंचायतों में लगेगी किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए धरातल पर काम शुरू हो गया। अब सूबे के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों की सूचना बोर्ड पर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची चस्पा होगी। इसके साथ ही प्रदेश राजस्व विभाग ने जिले के सभी पटवारियों, पंचायत सचिवों और नंबरदारों की कमेटी बनाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज दिन के कुछ खास समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।